नेहा, क्योंकि हमें तस्वीरें दिख रही हैं तेजस्वी सूर्य की, बैंगलोर साउथ से तेजस्वी सूर्य उम्मीदवार बीजेपी के, उनकी तस्वीरें हमें दिख रही हैं। ये देखिए तेजस्वी सूर्य बैंगलोर साउथ, जहां से अनंत कुमार सांसद हुआ करते थे। बहुत बात हुई कि उनकी पत्नी को यहां से टिकट दिया जाएगा, नहीं दिया गया। युवा उम्मीदवार तेजस्वी सूर्य को यहां से उतारा गया है। यहां से कांग्रेस के बीके हरिप्रसाद चुनाव मैदान में हैं। ये भी गढ़ माना जाता है बीजेपी का। बीजेपी यहां से लगातार जीतती रही है। बैंगलोर साउथ से तेजस्वी सूर्य मैदान में है बीजेपी की तरफ से। ये सीट जिस पर अनंत कुमार, केंद्रीय मंत्री अनंत कुमार, यहां से लंबे समय से यहां का प्रतिनिधित्व करते रहे। दूसरे चरण की वोटिंग में आज बेंगलोर साउथ में भी कर्नाटक में बड़ा मुकाबला है। बीके हरिप्रसाद कांग्रेस के और तेजस्वी सूर्य बीजेपी के। तेजस्वी सूर्य वोट देने पहुंचे हैं, उनकी तस्वीरें आप देख रहे हैं। इस वक्त बीजेपी का मजबूत गढ़ है। 1991 से यहां बीजेपी जीतती रही है और 1996 से अनंत कुमार यहां लगातार 6 बार जीते थे। अनंत कुमार के निधन के बाद तेजस्वी सूर्य बीजेपी उम्मीदवार बनाए गए हैं इस बार, जिनको आप अभी अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। 5.5 लाख वोटर यहां पर ब्राह्मण है। 4.5 लाख लोग वोटर जो हैं वो कलिग्गा हैं। वो कलिग्गा जो जेडीएस के एक वोट बैंक से की तरह से माने जाते हैं, तो वो एक चुनौती रहेगी क्योंकि कांग्रेस और जेडीएस का इस बार गठबंधन है। अभी के हरिप्रसाद उसी उम्मीद में है यहाँ पर इस सीट पर बेंगलोर साउथ से, कि इस बार बीजेपी को चुनौती दे सकें, क्योंकि बीजेपी का नया उम्मीदवार है। लेकिन ये बीजेपी का बड़ा पुराना गढ़, और यहाँ से 1991 से बीजेपी जीतती रही है।